الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقه السيرة पर ये किताब तजलियात नबूवत हम जैसे तलबा के लिए बहुत अहम और मैं तो ये कहूँगा कि हमें इस किताब को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ना चाहिए जितनी बार पढ़ेंगे ख़ास तौर से दावती नुक़ नज़र से तो आपके लिए हर मरतबा कुछ नसीहत की बात या रहनुमाइयाँ ज़रूर मिलेंगे मैंने मुतयन किया था कि कम से कम पच्चीस सफ्हत हर पंद्रह दिन पर हो जाएंगे लेकिन ख़ास तौर से ये जो बहस है बहस और कठुजती, कुफ़ार की जानब से थी इसकी वजह से थोड़ा हमारा जो तसल्स तो है या हमारी जो रफ्तार है थोड़ा कम इनशा आगे के इसबाक जैसे रहेंगे वैसे बहस आ, हम लोग चलेंगे बहस और कठोजती इसको आप पढ़ें और सतर दर सतर अपने समाज और अपने माशरा में भी गौर करते चलें तो ऐसा लगेगा कि ये ये बात हमारे दौर के बारे में कही जा रही है या इतराज़ात जो अभी आएंगे ये वो इतराजात हैं जो हमारे दौर से लोगों ने हम पर पेश किए दाई के लिए इन इतराजात को समझना और जो जवाब अल्लाह आलमीन ने नबी के दरिया से दिलाया है उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है लेकिन ये उसी वक्त होगा कि जब आप ख़ुद से कुछ पढ़ना शुरू करें और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे इनशा और अगर कुछ गफलत हो रही है इसका इसको पढ़ने में खुद से मुला करने में तो उस गफलत को दूर करें जैसे जो असमाक दिए जाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमको पढ़ कर आना है और उससे जो हमें नसीहत की बातें मिलती हैं नोट करना है सवालात अपने से तैयार कर लेना है ये अहम है रोज़ आना दो सफ़ा पढ़िए बस ज़्यादा नहीं तो पंद्रह दिन में अगर दो सफ़ा भी पढ़ते हैं तेरह दुना छब्बीस दो दिन छोड़ कर के ट्वेंटी सिक्स पेजेस बसानी हो सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं आ, कुछ लोगों ने मेरे पास आ, भेजा भी है कि हम इस तरीके सवाल तैयार करते हैं फिर उससे नसीहत की बातें जो हमको समझ में आई वो हम नोट कर रहे हैं अल्हदल्ला अच्छी कोशिश कि उन्होंने सवालत भी मरतब किए हैं और फिर नसीहत की जो बातें इबरत की जो बातें वो भी नोट किए तो ये अलमदिल्ला बड़ी ख़ुशी की बात है अल्लाह उन्हें सबित क़दम रखे उन तम तमाम को सबित क़दम रखे मुझे सबित क़दम रखे और इससे इस सीरत को अपनी ज़िंदगी में इन वाक़ात को अपनी ज़िंदगी में इनके ज़रिए से झाँकने की कोशिश करने की तोहफ़ी कदा आमिन तकबर इकदाई जब भी दावत के काम में लगता है तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनके ख़िलाफ़ ये बातें जाती हैं, तो मुख्तलिफ़ एबार से आपसे बहस करेंगे अगर वो बहस सही तौर पर है तो उसको बहस का नाम दिया जाएगा कि वाकई एक बहस बनती है बात समझ में नहीं आ रही इसलिए एक इल्मी गुफ्तगू हो जाए लेकिन अगर ऐसा हो कि वो ना सिर्फ उलझाना है परेशान करना है लोगों का जहन इनकी जानब से फेरना है तो उसको कहा जाता है कठुजती मानना है नहीं और बहस लड़ाना है अब देखिए हमारे एक साथी थे उन्होंने अपने, दु, अपने दु, हमारे दूसरे साथी बहस इस बात पर कर लिया था कि जुमरात जुमा से पहले क्यों आता बुध से पहले क्यों नहीं आता <laughs> कैसे साबित कर दो बेचारे साबित करने लगे ऐसा हो सकता है कि हम समझने को तैयार ही नहीं है हजारा आप दराइल दीजिए हमको समझने पहले से हमने तय कर लिया समझना नहीं है खूब दलील दीजिए हाँ समझ में आया नहीं समझ में आया तो ऐसा होता है कि पहले से तय कर लिया कि बात मानना नहीं जहां एतराज़ का मौका भी एतराज करेंगे न वरना खामोश रहेंगे पिछला एतराज़ ही जड़ देंगे लेकिन मानना नहीं तो उसको कहा था कट हुजती यानी ना मानने के लिए ना समझने के लिए बहस लड़ाना तो कुफ़ार ने ये काम बहुत किया उलझाने के लिए नबी अलैहि वसल्लम तीन चीजें थीं जिसके जरिए से उनकी पूरी बहस तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी एक थी योम आखरत बाबादल मौत मौत के बाद दोबारा उठाया जाना और हिसाब किताब दूसरा था नबी की ज़ात पर रिसालत और नबूवत एक इंसान को रसूल या नबी बनाया जा सकता है क्या और तीसरा तोहैद ये तीन चीजें थीं जिसके इर्द गिर्द उनके तमाम एतराज थे और यही टकराव का सबब बन रहा था अल्लाह रबीन ने उनके हर एतराज का जवाब दिया जैसा कभी आएगा उनकी जितने भी एतराजात थे अल्लाह रबुलामी ने उसका जवाब दिया अगर बेकार के सवालत थे तो उसका भी कोई उमूमी जवाब मिल गया आप उसको पढ़ लो उसको समझ लोगे तो ये सवाल तुम्हारा खुद ब खुद हल हो जाएगा इससे एक बात तो ये मालूम होती है कि दावत की राह फिक्र से रा, दावत की राह में जो लोग सवाल करते हैं जिनके जो एतराजात होते हैं उनके इल्मी जवाबात देने की कोशिश करना चाहिए जो ही नहीं नहीं उनका कौन सुने नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं अगर उसके इल्मी जवाबात हैं तो आप पेश कर दो। वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे बात दूसरी एक बार हुआ दो बार हुआ उसके बाद समझ में आता है सिर्फ उलझाने वाला काम कर फिर उनको उनके राह पे छोड़ देगी भाई जवाब दिया जा चुका है तो इल्मी जवाब दिया जाना चाहिए कुरान व सुन्नत के एतबार से उनका जवाब दिया जाना चाहिए उनको यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा उसका नुकसान क्या होता है जब हम छोड़ देते हैं अव्वल तो, तो मुमकिन है वो भाई समझ ना पाए हों इसलिए उनका एतराज़ है तो कोई समझ नहीं पाया है तो उसके इश्काल को दूर करना ज़रूरी है ताकि समझ जाए और हिदायत पर आ जाए और दूसरा ये कि अगर हम का जवाब नहीं देंगे तो उन्हीं एतराज़ा को लेकर के आवाम के दरमियान जा के हमारी दावत की मुखालफत करें देखा हमने ऐसा एतराज़ किया उसका कोई जवाब नहीं मिला ये कब की बात है जब उसका कोई इलमी जवाब है तो दिया जाना चाहिए इल्म नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक बार जवाब हुआ दो बार जवाब हुआ लेकिन बार बार इसी तरीके से तो ये कहा जाएगा कि इसमें इस वक्त ज़ाय फिर नहीं किया क्यों जवाब दिया जा चुका है तो जवाब देना चाहिए तो जैसे पहला उनका एतराज़ ये था कि हम दोबारा उठाए जाएंगे अजीब अजीब बातें इस सिलसिले में कहा करते थे क़रना करीम का आप जब करेंगे तो उसमें जगह जगह उनका एतराज़ मिलता है कि अजीब बात है कि हमको दोबारा उठाया जाएगा जब हम मिलकर मिट्टी मिल, मिल जाएंगे हमारी हड्डियाँ बहसीधा हो जाएंगी तो हमको दोबारा उठाया जाएगा ऐसे तन से किया कहते वक़ालदी कफ़रू वक़ालदी कफ़रदुमबी नकुम नफ़ी ख़लिन जदीद कुफार कहते थे कि क्या हम तुमको ऐसे आदमी के बारे में ना बताएं जिसका कहना है कि जब तुम मिलकर मरने के बाद रेजा रेजा हो जाओगे रेजा रेजा एकदम बोसीदा हो जाओगे मिट्टी मिल जाओगे तो तुम, तुम्हें तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा यानी ताज्जुब इतना था तंज़ किया करते थे एक दूसरे से बोलते थे तो इसका जवाब अल्लाह आलमीन ने दिया और सच है कि अगर हम आज मुसलमान कहता है तो हम हमारा ईमान कयामत आएगी लेकिन हकीकी ईमान अगर कयामत पर हो जाए ना तो हमारे अंदर एक तकवा आ जाएगा सही और ग़लत की तमीज़ करने लगेंगे हमें आखरत में जब हिसाब देना है तो उस सिलसिले में कुछ ऐसा करके जाओगे कर सही जवाब दे सकें हमारे जवाब से अल्लाह राज़ी हो जाए इसकी इंसान फ़िक्र करने लगता है लेकिन अगर सही ईमान यम आख़रत पर नहीं है तो फिर जबान से तो यह है कि हम जो है आखरत पर ईमान रखते हैं लेकिन जो हमारा काम होता है वो बदलाता है कि हमको हिसाब साब नहीं देना है यही बुनियादी फ़र्क़ है अहले ईमान और जो है अहले कुफ्र अहले शिर्क के दरमियान क्योंकि यहाँ यकीदा नहीं अगर ये अक़दा आ जाए तो वो बहुत सारी फसाद से बिगाड़ से समाज में जो चल रहा है उससे बाज़ आ जाएंगे तो कुफार को इस पर एतराज़ तक दोबारा उठाए जाएंगे फिर हिसाब भी देना पड़ेगा उनका एक शा, शायर ने कहा था अमौतन ثم सुशरन حديث ख़ुराफती या उम्मी अमरिन क्या मौत आएगी फिर उठाए जाएंगे फिर हश्र होगा यानी जमा किए जाएंगे हिसाब किताब के लिए ये तो खुराफात बात लगती है फजूल की बात लगती है ऐसा होने वाला है क्या तो अल्लाह आलमीन ने उनको कई एतवार से समझाया क्या समझाया एक बुनियादी चीज एक आम इंसान को आप समझा सकते हैं कुरान के एक आयत करीमा अफनज मुस्लिमीन कल मुजरिमिन क्या है अफनजरमसलिमीना कल मुजिम क्या हम मुसलमानों को मुजमों जैसे कर दें और ऐसी दूसरी आयत करीमा है अमनजरल्दीन अमलहत कल मुफीन फिलौद अमनजालमतकी कल फुजार जो लोग ईमान लाए अमल साले की उनको ज़मीन में फसाद वा करने वाले जैसे बना दिया जाएगा मुतकीियों को फासिक व फाजी जैसे लोगों मान लिया जाएगा यानी सब बराबर मरने के बाद सब बराबर हो जाएंगे अल्लाह रबूमिन ने समझाया कि देखो ये दुनिया है एक इंसान किसी इंसान पर जुल्म करता है मज़लूम की तमन्ना होती है कि उसको बदला मिले इंतकाम मिले इंसाफ़ मिले और जालिम की कोशिश होती है कि हम बच जाएं। बसा अवत आप देखते हैं कि वो जालिम मर जाता है उसको कोई सजा दुनिया के अंदर नहीं होती तो क्या ये मजलूम जो शख्स था इसका इंसाफ खत्म उस जुल्म में करने के बाद जालिम निकल गया कोई पकड़ नहीं इसके लिए कोई तो जगह होनी चाहिए कि इन गरीबों मिस्कीनों, मजलूमों की कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां इंसाफ मिले तो यहां से लोग निकल लेते हैं लेकिन वहां अल्लाह रब्लमिन इंतज़ाम कर रखा है आओ दुनिया में आप बज गए सोर्सफुल थे पैसे वाले थे ओहदे वाले थे सियासी थे वगैरह वगैरह आपके बहुत सारे लोग मानने वाले थे आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता था हुकूमतें अदालतें सब बेबस थीं सब सही आ जाओ अब एक कमज़ोर समाज का एकदम कमज़ोर आदमी पर जुल्म हुआ लेकिन उसके दिल में तो तमन्ना तो है कि इंसाफ मिले नहीं मिला जालिम इतना ताकतवर था कि इस दुनिया में अगर देखा जाए तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मुमकिन नहीं था इंसाफ और दाला सब दूर की बात है तो क्या उस मजलूम को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए किसी भी गैर मुस्लिम से आप बात करें वो जरूर कहेगा हाँ इंसाफ तो मिलना चाहिए उसी के लिए कयामत है आओ इसलिए मौत है मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना इसलिए है कि जालिमों को उनके जुल्म की सजा दी जाए मजलूमों को उनका बदला दिलाया जाए ये वो चीज है जो सबको अपील करती है सब इसको मानते हैं और हर शख्स के दिल की तमन्ना होती है। जब तक वो जुल्म नहीं किए रहता जब तक वो मजलूम के साथ है तब तक यही तमन्ना होती हाँ इतने बड़े बड़े मुजाहरे होते हैं ये होता है वो होता है क्या होता है इंसाफ दो हा? हम फना के साथ हैं और क्या फा जस्टिस वगैरह सब चलता है उसके बावजूद कुछ नहीं होता जिसके साथ जुल्म में हुआ वो एक जुल्म में तो हुआ ही उसके बाद वो जालिम और जुल्म में करता है पूरे पूरे फैमिली को खलास करा देता है कि कोई गवाही देने वाला ना बचे कोई मुकदमा लड़ने वाला ना बचे नाम लेने वाला ना बचे ऐसा होता है तो क्या उस मजलूम के लिए जितनी आवाज उठाई गई हजारों लोगों ने लाखों लोगों ने आवाज उठाया और कुछ भी नहीं हुआ इन तमाम लोगों की जो आरजू है कहीं पूरी हो सकती है आरजू क्या है जालिम को सजा मिलनी चाहिए उसी के लिए बात है, बादल मौत है आइए यहां आओ कोई आवाज उठाए ना उठाए वो बंदा जो मजलूम है उसकी अल्लाह रबुल आलमीन खुद इंसाफ कर देगा कहते हैं कि अदालत खुद से नोटिस ले लेती है है ना? एफ आई आर भी दर्ज करवा देती क्योंकि कोई मुखालिफ उसका सामने आ ही नहीं रहा है लेकिन इतना खतरनाक अदालत खुद से नोटिस ले लेती तो अल्लाह रबीन इसीलिए क्यामत को बर्पा करेगा सबको उठाएगा तो एक तो ये था अचंभे की जो बात थी क्यों उठाएगा इसलिए उठाएगा ताकि इंसाफ सबको मिल सके इसके लिए उठाएगा और और मज़लूम एक जैसे नहीं हो सकते अल्लाह के फरमाबरदार अल्लाह की नाफ़रमानी करने वाले बराबर नहीं हो सकते फासिक और फाजिर और मुत्तकी परहेजगार एक जैसे नहीं हो सकते जिसने तकवा ज़िंदगी बसर की है अल्लाह के इताअत में ज़िंदगी बसर उसको इनाम तो मिलना चाहिए एक आदमी समाज के अंदर शराफ़त की ज़िंदगी बसर करता है और एक आदमी फसाद की ज़िंदगी बसर करता है तो क्या जो मान लो जिसने फसाद फैलाया उसको सज़ा तो मिल गई लेकिन जो इतनी मेहनत करके शराफत की ज़िंदगी बसर कर रहा है इसको कुछ इनाम भी तो मिलना चाहिए मामली चीज़ है क्या नेकी पे कायम रहना सबके साथ ईमानदारी का मुजाहरा करना आसान काम है क्या ख़ास तौर तो से आज के समाज के एतबार से बहुत मुश्किल है तो इस बंदे ने जो इतनी मेहनत करके समाज के मुखालफ मुखालिफ रास्ते पर चलते हुए समाज दूसरी तरफ़ जा रहा था ये तकवा की ज़िंदगी इसको इनाम मिलना चाहिए ना इसके लिए अल्लाह आलमीन क़्यामत बरपा करेगा कि आओ तो जिन्हों जो अच्छा किए हैं उनको इनाम दिया जाए जो गलत किए हैं उनको सजाए दी जाए समझ गए यही जवाब है और आप इस तरीके से समझा ले जाएंगे कुरान करीम में इसी बात को कई एतबार से पेश किया गया मतन अफ फतह मालकुम्कमन क्या मुसलमान और मुजरिम एक जैसे हो जाएंगे कैसे तुम फैसला करते हो अब अमन अमन वाम इकलमफ़ीदी नफिल्द अब नजरमती अकलफुजार ईमान और ममल साल करने वाले ज़मीन में फसाद करने वाले जैसे हो जाए या हम मत्तियों को फुजार और फासिल जैसे बना देंगे या इसीम हसबरसैक़ी सवा महया हमा तुम सामाया कि जिन लोगों ने बुराइयाँ कमा रखी वो ये समझते हैं कि ईमान और अमन साले वाले उनके जैसे हो जाएंगे सवा महयाँ ममामा तुम उनका मरना और जीना बराबर सामायाम कितना ख़राब फ़ैसला करते हो ये एक था जो उनको तजुब था या ये कहीं कि मकसद नहीं मालूम था कि दोबारा क्यों उनको मरने के बाद उठाया जाएगा और हश्र होगा हिसाब किताब होगा फिर दूसरी बात थी कि कैसे होगा एक क्या था क्यों होगा समझ गए ना क्यामत क्यों बरपा होगी एक चीज दूसरा कि कैसे होगा यानी मर के हम मिट्टी में मिल जाएंगे एकदम यानी हमारे जिसम का कोई हिस्सा दिखता नहीं है ऐसे लाश फेंक दी जाए कुछ दिन के बाद वहाँ कुछ नजर नहीं आएगा और एक दो आदमी नहीं है खरबों लोग हैं तो क्या ये मुमकिन है एक उठा लिया जाए ऐसा हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका भी जवाब दिया क्यों नहीं हो सकता है कई एतवार से कहते हैं पहली चीज किसी चीज़ को पहली मर्तबा पैदा करना मुश्किल है कि दोबारा उसी चीज़ को पैदा करना मुश्किल है आँ पहली मर्तबा ना कोई भी चीज़ आप बनाएं तो पहली मरतब बहुत दिमाग लगाना लगाना पड़ता है ये वो देखना पड़ता है और फिर उसके बाद एक बार बनने के बाद दोबारा हमको अगर फिर बनाइए तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि एक खाका जहन में पहले से मौजूद है और फिर फटाफट करना है रब का मामला तो बहुत अलग है भाई कन फ़याकून वाला मामला है वहाँ तो कोई बात ही नहीं ये बातें उनके लिए हैं जो रब को इस एतबार से नहीं मान रहे हैं उनको बताने के लिए जरा बताओ कि पहली बार किसी चीज को पैदा करना आसान है मुश्किल है या दो बारा। तो सब कहेंगे पहली बार पैदा करना ज्यादा मुश्किल है तो अल्लाह फरमाएगा जब पहली मरतबा उसने कर दिया तो दूसरी मर्तबा क्यों नहीं कर सकता जवाब ये दिया कि ये बताओ तुमको तुम इतने बड़े हो तुमको पैदा करना आसान है कि ये आसमान और जमीन को पैदा करना आसान है मुश्किल किसमें और जमीन के खालिद को मानते थे कि इसको पैदा करने वाला अल्लाह ही है देखिए अहले ईमान के लिए तो सब सवाल ही नहीं है जवाब ही नहीं है वो कुन फयाकून ही में सब मामला हल हो जाता है ये औरों के लिए अब आज भी और भी ये मानते हैं कि इनको पैदा करने वाला ऊपर वाला है तो अल्लाह उनको जवाब दे रहा है जो मानते हैं कि आसमान को अल्लाह तला ने पैदा किया है तो अल्लाह कहता है कि तुम इतने बड़े हो तुमको पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है या जो आसमान और ज़मीन इतनी बड़ी है जिसका अभी इंतहा तक पहुंच नहीं सके तह तक नहीं पहुंच सके उसको पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है जवाब है कि आसमान और जमीन को।। जब उसको पैदा कर ले तुम तो इतने बड़े हो ना तुमको पैदा कर देगा ठीक ऐसे ही अल्लाह रब्लमिन ने और मिसालें भी दी हैं वल्दअलम तुम नश्त फ़लोल तक कर तुम पहली बार की पैदाइश को तो जानते हो तो फिर क्यों नहीं नसीहत हासिल कर लेते कमा बदल वलिनफ़ाइली पहली मरतबा जैसा कि हमने पैदा किया दोबारा भी हम तुमको पैदा कर देंगे अफ़आन अबिल बलहफीन ख़ल़िन जदीद क्या हम पहली मरतबा की पैदाइश या पैदा करने में बनाने में थक गए हैं आसमान वज़मीन को बनाया पूरी कायन को बनाया सब मानते हैं कि अल्लाह ने बनाया है तो थक गया अल्लाह रब्लम उतना बना करके नहीं बलह फ़ी लबसमिन खलक़िन जदीद बल्कि तुम नई पैदाइश के बारे में शक में मुब्तला बस इसके ज़रिया से अल्लाह रब्लम ने उन्हें जवाब दिया कि ऐसा मुमकिन है कि दोबारा पैदा किया जा सकता है कोई मुश्किल काम नहीं बाकी रब्बुल आलमीन ने जवाब दे दिया है कि किसी चीज़ के बारे में कहते तो कौन फ़याकून वो हो जाएगा और ये भी बता दिया गया किस चीज़ के ज़रिए से अल्लाह आलमीन हर इंसान को दोबारा उगाएगा और वो चीज़ आज भी बाकी है मिट्टी में कहीं भी हो अल्लाह हुक्म देगा सब मामला हाजिर किस कब्र में कितने लोग हैं हम सैकड़ों साल बाद एक ही कबर को दोबारा खोदते हैं उसमें कुछ नहीं मिलता है और समझते हैं कि हाँ कोई दफन नहीं था शहरों की जिंदगी बात नहीं कर रहा हूँ देहातों की बात कर रहा हूँ शहर में तो बहुत सारी चीज़ मिल जाती है। लेकिन उसी में कितने कम मुर्दों को दफनाया जा चुका है सब वहीं से निकलेंगे तो ये हुआ उनका पहला इश्काल क़यामत के सिलसिले में बाद बाद अल मौत दोबारा उठाए जाने के सिलसिले में दो था एक था कि क्या जो है इसको क्यों दोबारा उठाया जाएगा क्यों कयामत बरपा होगी उसका जवाब था ताकि जालिमों को सज़ा दी जाए मजलूमों को बदला दिलाया जा सके जो मुत्तकी परहेजगार है उनको इनाम दिया जा सके जो नाफरमान उनको सजाएँ से सजाओं से दो चार किया जाए क्या ये मुमकिन है बिल्कुल मुमकिन है जो चीज़ साबित हो चुकी एक बार पैदा किए जा चुके दोबारा पैदा किए जा सकते हो और अल्लाह रबल्ला ने बड़ी बड़ी चीज़ें बना दी हैं तो तुम तो छोटे छोटे हो दूसरा जो उनका एतनाज़ था रिसालत के बारे में और सबसे बड़ा एतराज था कि क्या एक इंसान रसूल हो सकता है यानी रसूल और नबूत इतनी बड़ी चीज़ है कि वो किसी इंसान को दी ही नहीं जा सकती कि एक इंसान कैसे रसूल बनाया जा सकता है ये तो इंसान से परे की बात है यानी इंसान इस चीज़ को नहीं उठा सकता है ये उनका एतराज़ था इसीलिए उनको बार बार ये कहा करते थे माली रसूल ये अकुलतम वयम शीफवाक़ी कैसा रसूल है कि ये खाना भी खाता है बाजार में चलता फिरता है तजारत भी करता है यही रसूल हो करके ये इंसान ये काम तो इंसान करता है ना फरिश्ते कमाते हैं नहीं खाना खाते हैं खाना खाते हैं फरिश्ते नहीं खाते ना तो ये क्या रसूल हैं खाना भी खाते हैं बाजार में भी जाते हैं और दूसरी बहुत सारी मसूफियात का जिक्र किया गया जरूरिया जिंदगी यानी उनके जहन में ये बात आ ही नहीं रही थी कि एक इंसान रसूल हो सकता है। इसलिए इस तरह का एतराज़ बलाजीबानजा उन्दिरमिन फ़काल काफिर उनहादा शजीब उनको ताजुब था इस बात पर कि उन्हीं में से एक डराने वाला आ गया रसूल आ गया कहते अजीब बात है नबी हो सकता है रसूल हो सकता है अल्लाह रबालमीन ने उसका जवाब दिया माँ बशर या इन्होंने कहा माँजर अल्लाह रबीन ने इंसान पर इस तरह की कोई चीज नाजिल नहीं की तो अल्लाह रबीन ने उनको जवाब दिया उनके अकीदे के अतबार से बास चीज़ों को मानते थे जैसे मानते थे मूसा मूसा सलाद्लाम नबी थे मानते थे कि इब्राहिम सलाद्लाम नबी थे मानते थे इन तमाम चीज़ों को तो्ला रबी ने, ने उसी का हवाला दिया कुल आ फरमा दीजिए मन अंसरल लदी जा अभी मूसा नूर महद्स ये किसने जो है किताब को नाजिल किया उस किताब को नाजिल किया जिसको मूसा सरातलम ले, ले करके आए थे वह भी तो इंसान थे उनको तुम इंसान मानते हो और उन पर है उसको भी मान ले रहे हो लेकिन ये नबी मोहम्मद अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे दरमियान है इनको तुम इंसान मान रहे हो लेकिन नबी मानने को तैयार नहीं कि एक नबी पर रिसालत या नबूत कैसे हासिल हो सकती है नबी को एक इंसान को तो कहा जैसे मूसा को मानते हो यकीन करते हो कि वो नबी थे इंसान भी थे तो वैसे ये भी मामला है और इससे पहले आप जो है ख़ास तौर से शुर मम पढ़िएगा सुर मोमिन अल्लाह रबालमीन ने उसमें कई अकवाम का तस्करा किया है जो जिनके सामने उनके नबियों ने जब दावत पेश की तो सब का एक ही एतराज़ कि तुम तो एक इंसान हो हमारे जैसे एक इंसान यही ऐतराज़ यही था कि हमारे जैसे एक इंसान और यही इतराज़ को फार मक्का था कि आप तो हमारे जैसे एक इंसान है आप पर सारा तबूत कैसे ये हो ही नहीं सकता यानी ये, ये चीज हाँ, तो हाँ वो उसके बाद बाद वाला हिस्सा है यहाँ सबसे बड़ा मसला इंसान होने के नाते रसूल नहीं हो सकता अल्लाह रबी ने उनको मुख्तल एतबार से जवाब दिया कि हाँ वो जो आप कह रहे हैं तो पैगम्बर उनको जवाब दिया कि हाँ हम तुम्हारे जैसे ही एक इंसान हैं लेकिन अल्लाह रब्लमिन ने हम पर ख़ास एहसान किया है लेकिन अल्लाह लान्नू या अला याशा मिन आबादी अल्लाह रब्लमीन अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है एक एहसान कर देता है मैं तुम्हारे जैसा रसूल हूँ तुम्हारे जैसा इंसान हूँ लेकिन एहसान मुझ पर यह है अल्लाह रब्लम का कि इंसान होने के साथ साथ मेरा रुतबा बुलंद कर दिया कि इंसान भी हो रसूल भी हो और आप क्या है सिर्फ इंसान ऐसे ही आलमीन ने आ, उनका जवाब दिया आज देखिए ये मामला देखिए कुफार का, का एतराज़ क्या था कि एक इंसान रसूल नहीं हो सकता है ना आज भी हमारे अहबाब क्या कहते हैं उनका भी यही मानना है समझ गए <laughs> उनका भी यही मानना है कि एक इंसान रसूल नहीं हो सकता शान में गुस्ता के समझते हैं वहां बड़ा बोल देते हैं है ना जो इतराज उनका था कि एक इंसान रसूल नहीं हो सकता वही इतराज इनका है कि एक इंसान रसूल नहीं हो सकता है <laughs> बस फर्क यह है कि वो चूंकि अल्लाह के नबी उनके दरमियान पैदा हुए पले बढ़े तो मानते थे कि इंसान है रसूल नहीं और आज के अहबाब ये कहते हैं नबी तो हैं कि हमने कलमा पढ़ा उनका लेकिन इंसान नहीं बशर नूर बशर नहीं नूर है बात समझ गए ना लेकिन दोनों एतराज एक ही है कि रसूल इंसान नहीं हो सकता इंसान रसूल नहीं हो सकता है तो जो जवाब उनका वही जवाब इनका बहस बहुत करेंगे ज्यादा बहस नहीं करना जवाब इन्हीं आयत को पढ़ के सुना दीजिए जवाब हो गया समझने वालों के लिए काफ़ी है लेकिन अगर किसी को कठहुजती करना है तो कई कई घंटे मुनाजरे करते हैं लोग और आखिर में जा अलक् ज़हा कल बातिल। वो भी कह रहे हैं ये भी कह रहे हैं तो समझ ही भी नहीं आता कि कौन हक पर कौन हक किसके पास हक आया किसके पास बातिल है पहले से छपवा के रखते हैं समझ रहे ये है कटोजी तो एतराज़ जिनका था वही इनका भी है फ़र्क दोनों में इतना है दोनों में फ़र्क याद रखिएगा चूँकि उन्होंने अल्लाह के नबी को इंसान तो मान लिया था क्योंकि उन्हीं के दरमियान आप जो है पले बढ़े थे पैदाइश से लेकर के पूरी जो है चालीस साल की उम्र वहीं गुजरे पचास साल तक तिरपन साल तक वहीं थे तो इंसान माना था लेकिन इंसान माने के साथ रिसालत को नहीं मान रहे थे क्यों एक इंसान रसूल नहीं हो सकता और आज भी वही मामला है कि रसूल इंसान नहीं हो सकता पलट दीजिए जुमले को अल्लाह के नबी को रसूल तो माना है लेकिन इंसान नहीं माना क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नबी को अपने दरमियान चलता फिरता नहीं देखा तो ये उनका भी यही जवाब होगा भाई इससे पहले जितने भी आए सब इंसान ही थे और वो रसूल बनाए गए जब दूसरे लोग इंसान होकर के रसूल बनाए जा सकते हैं तो हमारे नबी क्यों नहीं बनाए जा सकते है? क्या उनसे कम है क्या अल्लाह आलमीन ने आपको एक मकाम दे रखा है ना चूंकि बात शायद कंप्लीट ना हो सके मैं एक बात कह रहा अच्छा ये बताइए एक इंसान का रसूल होना ज़्यादा फजले की बात है या इंसान के अलावा कोई और मखलूक होकर रसूल हो जाए वो ज़्यादा फजले की बात भाई इंसान जिसको लोग कमतर मान रहे हैं ना उसी को ये मकाम हासिल हो गया तो फजले की बात है। एक अमीर घराने का बच्चा है या ये कह लीजिए कि एक ऐसा बच्चा है जिसका बैकग्राउंड इल्मी है उसके घर में सब पढ़े लिखे हैं और वो कोई बड़ा इम्तिहान पास कर लेता है आईपीएस वगैरह हो जाता है तो भी कमाल की बात है भाई मेहनत किया है हासिल किया है एक ऐसे घर का बच्चा है जिसका बैकग्राउंड इल्मी नहीं है उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है बेचारे उनके वाले साहब रिक्शा चलाते हैं इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए ना हाईलाइट लोग किसको करते हैं ज्यादा उनको करते हैं उसमें फसल ज्यादा है क्योंकि इनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि इस मकाम पर पहुंच सकें लेकिन इतना मेहनत किया कि उस मकाम पर पहुंच गए उनका तो बैकग्राउंड ही वही था वो तो हो सकता था तो इंसान जिसको आप कमतर समझते हैं अगर अल्लाह आलमीन उसको ये फजल दे रहा है ये तो और फजले की बात है यानी इंसान मान करके के अल्लाह के रसूल को मान अल्लाह के रसूल मानना ये नबी अलैहि वसल्लम की शान को और बुलंद करना है समझ रहे हैं इसलिए कुरान करीम में अहम अहम मकाम पर अल्लाह आलमीन ने अल्लाह के नबी को अब्द से तस्करा किया तबारक नजर सुबह सब फजल की बात है ना एक फरिश्ता यहां से वहां तो जाता रहता है एक इंसान भी जा रहा है मामूली बात है ये फजल की बात है सातों आसमान के सैर करके आ जाते हैं अब दो शुरब भी पढ़ेंगे उसमें भी अब दो जी तो ये फल की बात है तो ये एतराज़ नबी के सिलसिले में था कि एक इंसान रसूल नहीं हो सकता फिर क्या होना चाहिए वो कहते थे फरिश्ते को क्यों नहीं बना दिए फरिश्ते को क्यों बना नहीं बना दिए अल्लाह रबूम ने कहा जो तुम्हारे सामने पला बढ़ा तुम्हारे जैसा रहता है उसकी तुम इतवा नहीं कर पा रहे हो कल अगर हम फरिश्ता बना के भेज दिए फ़रिश्ते को आपके दरमियान नबी बना के भेज दिए और वो सिर्फ तुमको तबलीग करेगा नमाज़ पढ़ो रोज़ा रखो हज करो जक़ात दो है ना वो ऐसे कहेगा अब ना उसको खाने और ये, ये भी तालीम भी बच्चों के साथ अच्छे से रहो सब के साथ इंसाफ का मामला करो हाँ हलाल खाओ हराम से बचो ओ, बोल तो रहा है पलट के कहो कि जनाब कहना आसान है करना मुश्किल है तुमको ना खाना है ना पीना ना बीवी ना बच्चे सिर्फ बैठे बैठे हुक्म दे रहे हो तो वो आइडियल तुम्हारे नहीं बन सकते तुम्हारे दरमियान का तुम्हारे जैसा शख्स उठेगा और खुद अमल करके दिखाएगा तुमको लगेगा हाँ जब वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं तब उनकी बातों में असर होगा कुरान करीम कुर करीमल लाह आलमीन ने इसका भी तस्करा किया कि अगर रसूलों फरिश्तों को रसूल हम बना के भेज देते तो तुम फिर यही कहते हैं ना अरे हम हमारे उनके दरमियान बड़ा फ़र्क है वो सिर्फ तस्बीह पढ़ते पढ़ते पेट उनका भर जाता है हमारा मामला हम कमाना भी पड़ता है समझ रहे हैं तो वो जो दूसरा था कि इंसान रसूल नहीं हो सकता फरिश्तों होना चाहिए तो अल्लाह आलमीन ने दोनों का जवाब दिया क्या जवाब दिया कि इससे पहले जितने भी आए सब इंसान ही थे लिहाजा ये भी इंसान दिगर अंबिया को जो तुम सुन रखे हो इंसान ही मानते हो ये भी इंसान और दूसरा फरिश्ते की जो बात कर रहे हैं तो फरिश्ते आप फॉलो नहीं कर सकते उनको नबी बनाते तो उसके साथ जो है आप उनकी इतबा नहीं कर सकते थे मुमकिन है मुझे याद नहीं जखेर दूसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब इस पर इस एतराज़ का जवाब अल्लाह आलमीन ने दे दिया तब तो वो दूसरा एतराज़ था दूसरा एतराज़ ये था कि भाई अगर किसी इंसानियों को रसूल बनाना ही था तो यही मिले थे यतीम यतीम थे बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह भी उनके पास नहीं थे दौलत भी नहीं थी अगर बनाना था तो इंसानों में से जो बड़े ओहदे मनसब पर उनको बनाना चाहिए कहा करते थे عظيم दो बड़ी बस्तियों में से किसी बड़ी शख्सियत पर कुरान क्यों नाजिल नहीं हुआ दो बड़ी बस्ती मक्का और ताइफ इनमें से जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें से किसी पर कुरान क्यों नहीं नाजिल हुआ इन्हीं को क्यों दिया मुराद अब जो है इतना मान लिया चलो ठीक इंसान नबी हो सकते हैं लेकिन यार इनको बना दिया यतीम है नहीं नहीं आया इसको कहते कटुजती जब उतना मान लियो तो ये भी मान लो भाई ला जिसको बना उसको मान लेना चाहिए तो अब ये दूसरा अच्छा ठीक है ठीक है लेकिन ये क्या तो समाज में ये मामला आ गया कि अगर अल्लाह आलमीन ला इंसान ही को रसूल बनाना था तो इनको क्यों बना दिया जो उहदा मनसब वाले हैं सरदार हैं अपने कौम के उनको बनाना चाहिए था ये जाहिर एतबार से बात हो रही थी ज़ाहरी रख रखाव के एतबार से वरना अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम किसी समाजी एतबार से कम नहीं थे सबसे आला ख़ानदान के थे जैसा कि पहला दरसे में दूसरे दरसे में बात आ चुकी तो जाहिर रख रखाव के एतबार से उनको ये लगा कि किसी बड़ी शख्सियत को क्यों नहीं दिया गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली तो बात यह कही अहम यकसिमुन रहमत रब्बिक क्या ये लोग अपने रब की रहमत को तकसीम करेंगे कि किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए अल्लाह जिसको चाहेगा उसको देगा अई अल्लाहु आलम है जाल रिसालता अल्लाह जानता है कि अपनी रिसालत किसको दे और ज़ाहिर सी बात है अगर किसी बड़ी शख्सियत को दे दिया जाता तो क्या वो गरीबों के पास जाके तब्लीग करते है? और ये जान लीजिए कि किमूम आज भी गरीबों का जो तबका है वो अमीरों के मुकाबले में ज़्यादा है उनकी तादाद ज़्यादा है तो वो तो मनसब में बैठे बैठे वो आर्डर करते ये कर दो वो कर दो वो कर दो वो गरीबों के पास जाते हैं क्या झिझक में झिझक झिझक की बात तो छोड़ो वो अपनी एक तरीके से गुस्ताखी समझते शान के खिलाफ समझते कि मैं बिलाल के पास जाऊं बिलाल के पास जाऊं कि एक अल्लाह की मदद करो उनसे रिक्वेस्ट करूं आर्डर दे सकते इधर आओ चलो एक अल्लाह के बाद ये हो सकता था लेकिन मामला ये आर्डर का नहीं था ये दिल कोई कोई इतमिन दिला रहा था दिल से ईमान लाने की बात थी ना इसलिए अल्लाह रबालमीन ने जो मुनासिब समझा उसको दिया और बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो अपने वक्त के किदे मनसब वाले थे अल्लाह तुन उनको भी रिसालत दिया ऐसा नहीं है लेकिन अल्लाह जानता है कि समाज में किस को रसालत मिलनी चाहिए उसको दिया है तो क्या तुम लोग फैसला करोगे इनको मिलने इनको ना मिले ऐसा नहीं फिर आखिरी का अच्छा ठीक ये भी बात सही हो गई मान लिए कि चलो इंसान को बनाया गया और इंसानों में से इनको भी बना दिया गया ये भी सही लेकिन कम से कम एक हाव भाव कुछ दिखना तो चाहिए लगे कि हाँ नबी आ रहे हैं आगे पीछे लोग हों कुछ लोग हों जिससे ज़ाहिर हो जाए लोगों को बताते हुए हाँ है नबी आ रहे हैं नबी आ रहे हैं नभी आ रहे हैं रास्ता छोड़ो कुछ ऐसा दिखना चाहिए ना कम अज़ कम इनके लिए कुछ ऐसे इंतज़ाम हो जाए कि बेचारे को मेहनत ना करना पड़े कमा के ना खाना पड़े सब खुद ब खुद हाजिर होता रहे जिन उनके जहन में तस्वर ये था कि एक रसूल को उसबार से होना चाहिए जिस एतबार से समाज में कोई उहदा व मनसब वाला हुआ करता है बादशाह है या बादशाह का जो गवर्नर आप कह लीजिए अपने इलाके में आ, आ, या बादशाह का जो कोई कासिद भी होता है सफ़ीर जिसको बोलते हैं उसकी भी अम्बेसडर उसकी भी एक वैल्यू होती है ना तो वही जहन में था कि जब ये अल्लाह के अम्बेसडर हैं तो फिर इनका एक मकाम होना चाहिए आगे पीछे सारा इंतज़ाम होना चाहिए इनको कमाने की ज़रूरत ना पड़े इनको जो है कुछ करने की ज़रूरत खाने पीने का सब मिलता रहे और इनकी हिफाजत के लिए लोग मौजूद रहें इनको बोलने से पहले कुछ ऐसे लोग पहले बोल दें कि हाँ ये अल्लाह के नबी हैं अल्लाह से तुम लोग डरो एक अल्लाह के बाद को अल्लाह के अलावा किसी को मबूद ना मानो ये सब दूसरे लोग करते रहें इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ये नबी हैं तो इनके साथ अल्लाह ने फरिश्ता क्यों ना नाजिल कर दिया ला उजिला मलकनफ़ुन माहू नदी इनके साथ अल्लाह ताला ने कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं नाजिल कर दिया जो इनके साथ वो लोगों को डराने वाला बनता

कि ठीक है हो गया रसूल इंसान रसूल हो गया और इंसानों में मक्का में इनको बना दिया गया तो इनकी से कम कोई पोजिशन होनी चाहिए दिखने में लगे कि हाँ नबी जा रहे हैं हालांकि नबी की शान ये थी मदीना मुनव्वरा जब पहुंचे लोग पहचानते नहीं थे सलाम कर रहे हैं दो लोगों से बकर सिद्दीक से और अल्लाह के नबी से लेकिन यकीन नहीं था कौन है लोग समझते है कि हज़रत अबर सिद्दीक नबी हैं जब धूप आई तो अब सिद्दीक तक खड़े हुए कपड़ा से साया जब किया तब लोग जाने अच्छा नबी ये हैं इतनी सादा है जिंदगी अल्लाह के नबी बसा करते हाँ भाव कौन तो वो लोग सोचते थे कि इस तरह कुछ इंतजाम होना चाहिए कि इनको कमाने की जरूरत ना पड़े इनके पास खजाना आ जाए कोई बाग हो जिससे जाके खाओ पी लें बस खलास और इनके साथ फरिश्तों का रहना चाहिए जो इनके दिफा भी करें इनकी जानब से प्रचार भी करें तो अल्लाह रबुलमी ने इसका भी जवाब दिया कि देखो मोहम्मद महम्मद अल्लाह के रसूल महम्मद अल्लाह के रसूल ये मुख्तसर सा जवाब है महम्मद अल्लाह के रसूल हैं वो जिस हालत में भी हैं वो अल्लाह के रसूल हैं और लोगों के लिए फ़र्द ये है कि उनको रसूल मान करके उनकी इतबा करें अब इन छोटी छोटी बातों का जवाब देना अब ज़रूरी नहीं समझा गया इसका मतलब समझ में आ गया कि सब कठुजती है सिर्फ बहस को तूल देने वाली बातें उलझाने वाली बातें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल वो जिस हालत में है तुम्हारे दरमियान अब आपके ऊपर है कि आप उस पर ईमान उन पर ईमान लाते हैं या नहीं ईमान लाते हैं तो ये फ़ायदा है नहीं लाते तो ये नुकसान तो बहरहाल अल्लाह रबुलामी ने तमाम सवालों का जवाब दिया तो नबी करीम सम की रसालत को लेकर तीन एतराज़ा थे उन पर उनके एक ये था कि एक इंसान रसूल नहीं हो सकता क्योंकि रसालत का मकाम इतना बुलंद है कि एक रसूल को दिया ही नहीं जा सकता उसका जवाब अल्लाह रबुआलमी ने दिया दूसरा ये था कि अगर इंसान ही को देना था तो समाज में किसी ऐसे शख़्स को दिया जाता जो उहदा मनसब वाला है सरदार सरदार में से था उसका भी अल्लाह रबाल ने जवाब दिया तीसरा ये था कि ठीक है अगर इनको ही दे दिया गया तो इनको ऐसा ज़ाहरी हाव हाँ दिया जाता फ़रिश्तों के दरिया से ख़ज़ाने के ज़रिया से इनको कमाना ना पड़ता मेहनत ना करनी पड़ती सब मिल जाता बैठे बैठे और इनकी हिफाजत के लिए फ़रिश्ते रहते फरिश्ते इनकी जानब से तबलीग करते ये उनका मानना था अल्लाह रब्लम ने उसका एक ही जवाब जवाब दिया महमदर रसूल मोहमदुल रसोल्ला तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आप मुख्तसर सी बात जो पहले दिन किए हैं वही बात आखिरी दिन कर दीजिए कोशिश की गई उनके एतराज़ा का जवाब देने की इमी तौर पर जो जवाब था वो दिया गया लेकिन जब ये समझ में आ गया कि नहीं ये लोग समझने वाले नहीं हैं सिर्फ मामले को तूल दे रहे हैं तो आखिरी बात पहले दिन वाले महम्मदर रसूल ये ये चीज पहले से कही जा रही थी और आखिर में भी कह दी कि भाई वो रसूल है मानना है तो नहीं बा, बा, मर्जी आपकी इख्तियार दिया गया आपको तो आखिरी दम तक लड़ते रहना बहस करते रहना नहीं हम हरा ही के जाएंगे ये हमारा और आपका काम नहीं इसी में मैं आना चाहता हूँ हमारे दुआत वो सोचते हैं कि जब तक हम इनको हरा नहीं देंगे तब तक जो है हमारी कामयाबी नहीं मानी जाएगी जबकि ये बात नहीं है आपके पास जो इल्म है उसके एतबार से जवाबा दे दीजिए नहीं है तो खामोश रहिए और आखिरी अकीदा पेश कर उधर चल दीजिए अपना वक्त मत ज़ाय कीजिए एक ही शख्स को पकड़ करके आप अपना वक्त ज़ाय ना कीजिए मुमकिन है उस वक्त बचे हुए वक्त में कोई और साथी मिल जाए और वहाँ आप काम करें वो ज़मीन ज़रखेज़ हो और जल्दे वहाँ से नतीजा अखज हो जाए तो हर जगह आखिरी दम तक बहस नहीं करना चाहिए कालू सलामा भी वहीदा खा तब सलामा। खाल में कहने तोफ़ी दे हमें किताब उस वक्त ज़िंदगी गुजारने वाला बना बर हमें अपने अपनी अमनी मैदान में अपनी ज़िंदगी में अपने घरों के अंदर दोस्तों के दरमियान और दूसरे लोगों के दरमियान दावत के काम को आम करने वाला बना और नबी की ज़िंदगी से इबरत हासिल करने वाला उसे नमूना बनाने वाला उसी रोशनी में इस काम को अंजाम देने वाला बना आमीन तकबल रबीन अल्लाम आईकम वरहल वर्कू